हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बाबा फूड प्रोसेसिंग इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे टू का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 3 नवंबर को ओपन होता है और 7 नवंबर कल के दिन इसका क्लोजिंग का डेट रखा गया, सेकेंड लास्ट डे अप्लाई करने का। 33 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 10 नवंबर का, लिस्टिंग डेट रखा गया 16 नवंबर का, एनएससी एसएमई पे लिस्टेड होगा। और ये आईपीओ जो है T+6 टाइमलाइन को भी डेट जो है फॉलो कर रही है, लेकिन अलॉट क्लोज होने के बाद ये T+3 टाइमलाइन को फॉलो कर सकती है, क्योंकि अब ज़्यादातर में जितने भी आईपीओ है गाइस T+3 टाइमलाइन या तो T+4 टाइमलाइन को फॉलो कर रही है, तो चांसेस है कि ये भी आईपीओ T+3 या T+4 टाइमलाइन को फॉलो कर सकती है। जीएम प्राइस बैंड की बात करें 72 to 76 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड है, 1600 शेयर्स की लॉट साइज। और अगर हम इसके लीड मैनेजर की बात करें तो हॉरिजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर MAS सर्विसेज इसके रजिस्ट्रार निकुंज स्टॉक ब्रोकर इसके मार्केट मेकर है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 99.99% की देखने को मिल रही है। वहीं का सब्सक्रिप्शन देखिएगा तो QIB से फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है 1.66 टाइम्स का, HNI से 1.3 टाइम्स का फुल्ली सब्सक्रिप्शन है, रिटेल में ओवर हो चुका है 3.82 टाइम्स का। मतलब डे वन में कंपनी में एक अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को, फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, टोटल 3 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम GMP की बात करें तो 30 रुपीज का GMP चल रहा है और 39% की लिस्टिंग मिलने के चांस है, जो कि बहुत अच्छी लिस्टिंग भी दे रही है, रिसेंट लिस्टिंग दे रहा है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो अप्रैल 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का फूड एग्रो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी अपना एक फर्स्ट अपना फुटप्रिंट जो है एस्टैब्लिश किया था ब्रांडेड कंज्यूमर में, और इसके साथ साथ बल्क फूड मार्केट्स का प्रोड्यूसिंग करती है, जो कि वेट फ्लोर प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस करती है। और कंपनी जो है सो वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें इंक्लूड है होल वेट आटा और रिफाइंड फ्लोर, फिर उसके बाद तंदूरी आटा है, सेमोलिना फ्लोर है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नागरी रांची में है, खुद का है, जो कि एक और पटना बिहार में एक और नया मतलब कि यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाह रही है। और कंपनी के पास अराउंड 120 से ज़्यादा इसके एम्प्लॉयज़ है, लोग काम कर रहे हैं, और एनुअल सेल्स जो है 190 करोड़ का इसका एनुअल सेल्स है। कंपनी का कोर स्ट्रेंथ क्या है, तो एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और प्रेजेंस है हर एक रिटेल चैनल्स पर। वाइड रेंज का प्रोडक्ट्स है, जैसे होल वेट आटा, रिफाइंड फ्लोर, तंदूरी आटा और सेमोलिना फ्लोर जैसी, जिससे लार्ज कंज्यूमर बेस को एड्रेस करती है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट और सप्लायर रिलेशनशिप है, क्वालिटी एश्योरेंस है और क्वालिटी कंट्रोल है इनके प्रोडक्ट्स का। वहीं अगर हम फिनांशियल को देखेंगे तो रेवेन्यू है 21 में 107.6 करोड़ का, प्रॉफिट है 1.9 करोड़ का, 22 में 97.5 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 2 करोड़ का, 23 में 189.6 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 5 करोड़ का, फर्स्ट क्वार्टर 24 में 41.3 करोड़ का रेवेन्यू है, 1.9 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फिनांशियल अगर देखिएगा तो 21 के बाद 22 में थोड़ा सा सफ़र करता हुआ नजर आया था, 22 में थोड़ा सा इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में गिरावट था, लेकिन 23 में वापस से कंपनी ग्रोथ किया और रेवेन्यू 94% का इंक्रीज किया लास्ट ईयर से, प्रॉफिट भी 150% का इंक्रीज किया है। तो कंपनी जो है बहुत ही मतलब कि कंपनी का जो फिनांशियल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब कि प्रॉफिट तो देखने को, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट देखने को तो मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है, कंपनी का एक्सपीरियंस जो है बिजनेस ऑपरेशनशिप लिमिटेड झारखंड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, जो कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सपीरियंस सिर्फ इसी 3 स्टेट में है, अदर स्टेट में एक्सपीरियंस नहीं है। प्लस कंपनी जो है डिपेंड करता है डीलर्स पर, होलसेलर्स पर और रिटेलर्स पर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है और जो कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। तो ओवरऑल थोड़ा सा रिस्की आईपीओ भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी क्या है कि एक नया जो सब्सिडियरी है, मतलब एक पंचकन्या फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका खुद का एक सब्सिडियरी कंपनी होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करके पटना में एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाह रही है, जो कि एक अल्ट्रा मॉडर्न हाईली ऑटोमेटेड रोलर फ्लोर मिल होगा, चक्की होल वेट आटा मिल होगा, जो कि रेफर किया जाएगा इसके प्रोजेक्ट में। और कंपनी जो है सो इसी मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि पिचिक पीस फ्लोर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी परचेज करना चाहती है, जिसमें और साथ में रोस्टेड ग्राम फ्लोर भी रहेगा, जो कि इसके एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रांची में उसमें, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है, लोन है जिसका रिपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ लाया गया है।
तो ओवरऑल गाइस कंपनी जो हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट करी, जो कि फ्लोर बिजनेस है इसका, और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट देखने को मिला रिपोर्टेड पीरियड्स में 22 में थोड़ा सा सफर करता हुआ नजर आया था इसके रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट में इंक्रीज किया था। सॉरी गाइस, मैंने एक्चुअली फिनेंशियल में बोल दिया था प्रॉफिट में भी डाउन, लेकिन एक्चुअली रेवेन्यू में सिर्फ डाउन था, लेकिन प्रॉफिट अच्छी ग्रोथ हुआ, मतलब कि रेवेन्यू थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया। जबकि आप इसको अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, थोड़ा मॉडरेट फंड्स है आपके पास, मतलब कि आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लिस्टिंग भी एक अच्छी मिल रही है, डिसेंट लिस्टिंग दे रहा है 39% का, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।